जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूँ एस्ट्रो काल गणना में। प्रिय दर्शकों, कमेंट में जय माता जरूर लिखें। माता रानी आपकी सभी मनोरथों को पूर्ण करेगी। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है मीन राशि के जीवन में। 14 अप्रैल से लेकर के दिसंबर के बीच में कौन कौन से सपने हैं जो आपके पूरे होने वाले, इस विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। प्रिय दर्शकों, जो राशिफल मैं बताने जा रहा हूँ, ये चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर घटित कर सकते हैं। आपकी राशि मीन राशि में 14 तारीख से बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि आपकी राशि में राहु ग्रह विराजमान है, साथ में सूर्य ग्रह भी विराजमान थे, तो यहाँ पर ग्रहण दोष बना हुआ था। सूर्य ग्रहण दोष से मुक्त होकर के अपनी उच्च राशि मेष राशि में चले जाएंगे, यानी द्वितीय भाव में चले जाएंगे आपकी राशि से। तो ये है, धन का भाव है और वाणी का भवन है, कुटुंब का भवन, यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति भी विराजमान है। तो सूर्य जो है पिता के कारक ग्रह माने जाते हैं, आत्मा कारक ग्रह माने जाते हैं, सरकारी विभागों के कारक ग्रह माने जाते हैं। सूर्य राजा हैं ग्रहों के। तो सूर्य का बलवान होना, तो आत्मविश्वास में बल आना, यानी मीन राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो तनाव था, चिड़चिड़ापन था, मानसिक जो भी परेशानियाँ थी आपको, वो कहीं ना कहीं समाप्त होंगी, क्योंकि आपकी राशि में ही ग्रहण दोष बना हुआ था। तो ये संकट जो है, जो आपके ऊपर आप समझ नहीं पा रहे थे, जो भी आपको रास्ते नहीं दिख पा रहे थे, या आपके ऊपर परेशानियाँ हो रही थी, हर जगह विघ्न बाधाएं आपको परेशान कर रही थी, तो ये विघ्न बाधाएं 14 अप्रैल के बाद समाप्त हो जाएंगी। धीरे धीरे आपके लिए बहुत अच्छे रास्ते खुलने लग जाएंगे। तो आपके लिए सबसे बड़े सरकारी विभागों में, जहाँ भी आप प्रयत्न कर रहे थे, नौकरियों के लिए प्रयत्न कर रहे थे, या आप पेपर देने जा रहे थे, या आप कुछ भी सरकारी विभागों में इंटरव्यू देने जा रहे थे, या प्राइवेट सेक्टर में आप नौकरी करने जा रहे थे, या आप व्यापार था आपका, व्यापार ठीक नहीं चल रहा था, तो इन सब चीज़ों में आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। साथ में आपको कुटुंब परिवार में भी जो भी मतभेद की स्थितियाँ थी, आपके द्वारा जो चिड़चिड़ापन था, आप वाणी के द्वारा बहुत ज़्यादा अनर्गल बातें कर रहे थे, या आपको कुछ ना कुछ परेशानियां हो रही थी, वो सभी परेशानियां कहीं ना कहीं दूर होगी। परिवार में सुख शांति की वृद्धि होने का योग बनता है, और आपके दाम्पत्य जीवन में भी जो भी मतभेद की स्थितियां थी, वो मतभेद की स्थितियां सुधरने वाली हैं 14 अप्रैल के बाद। और जो बड़ी भविष्यवाणियाँ जो मैंने लिखी है, कुछ बड़ा होने वाला है, वो बड़ा परिवर्तन है देव गुरु बृहस्पति का परिवर्तन। देव गुरु बृहस्पति 30 अप्रैल के बाद आपकी राशि से तृतीय भाव यानी वृषभ राशि में चले जाएंगे। ये पराक्रम का भाव है और ये आपके राशि के मालिक हैं। जब भी आपके राशि के मालिक, मीन राशि के मालिक देव गुरु बृहस्पति बनते हैं, इनका परिवर्तन होता है, तो मीन राशि पे और धनु राशि पे बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपके राशि के मालिक हैं ये। तो ये जाकर के पराक्रम में बैठ जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। और साथ में ये आपके कर्मेश भी बनते हैं, यानी कर्म के मालिक, यानी दशम भाव के मालिक भी बनते हैं। दशम भाव में भी देव गुरु बृहस्पति की धनु राशि बनती है, तो इन कर्म में यानी कैरियर के भवन पे भी प्रभाव पड़ेगा, और साथ में आपकी राशि में तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा देव गुरु बृहस्पति का परिवर्तन होने से। और देव गुरु बृहस्पति की जो 3 दृष्टियाँ हैं, पंचम, सप्तम और नवम, इन दृष्टियों से भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृतमय दृष्टियाँ हैं, और देव गुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ पर भी प्रभाव में बदलाव करते हैं। तो पराक्रम में जाएंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप मेहनत अधिक करेंगे, जो आप बेवजह इधर उधर घूमते थे, उस घूमने फिरने पे लगाम लग जाएगी, और आपको आपको जो आपके काम हैं, जो अपने काम नहीं कर पा रहे थे, तो आप औरों के काम ज़्यादा कर रहे थे, अपने कामों को छोड़ रहे थे, औरों की ज़्यादा मदद कर रहे थे, और परिवार में आपकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही थी, ये सब चीज़ों पर थोड़ा बहुत लगाम लग जाएगा। सबसे बड़ी बात तो मानसिक तनाव, जो चिड़चिड़ापन था, धन को लेकर परेशानियाँ थी, परिवार को लेकर परेशानी थी, संतान को लेकर परेशानी थी, दाम्पत्य जीवन में परेशानी थी, व्यापार को लेकर परेशानी थी, कैरियर में परेशानियाँ थी, ये सभी परेशानियाँ आपके कहीं ना कहीं धीरे धीरे समाप्त होंगी। देव गुरु बृहस्पति पराक्रम बैठ करके नवीनता आपके अंदर आएगी, आपके आपके लोग मदद करेंगे, यानी आपके पड़ोसी आपकी मदद करें, आपके मित्र आपकी मदद करेंगे, आपके सहयोगी आपके मदद करें, आपके छोटे भाई आपकी मदद करेंगे, आपकी इज्जत करना लग जाएंगे, और साथ में आपके बड़े भाई आपकी मदद करेंगे, परिवार में लोग आपकी मदद करेंगे, जो आपसे दूर भाग रहे थे, जो आपसे कहीं ना कहीं तनाव के कारण दूर जा रहे थे, वो सभी के सभी आपके नज़दीक आएंगे, यानी ये जो योग है आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ में देव गुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है, वो दृष्टि आपके
दाम्पत्य भवन में पड़ती है, सप्तम भवन में पड़ती है। सप्तम भवन में जो है ये पार्टनरशिप का भवन है, व्यापार में पार्टनरशिप का जितना भी काम है, सरकारी काम है, चाहे आपके जनता से जुड़े हुए काम है, जितने भी आप कोई भी काम करते हैं वहाँ आपको सफलता प्राप्त होगी, वहाँ काम आपके बहुत अच्छे चलने लग जाएंगे और विवाह का योग बनेगा। जिन मीन राशि वालों का विवाह नहीं हुआ है, विवाह का प्रबल योग बन रहा है, इस योग को जाने न दें, रिश्ते आपको मिलेंगे, विवाह आपका बनेगा। और दाम्पत्य जीवन में अगर कुछ तनाव था, तलाक की नौबत थी, या हम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, या दोनों की समझ नहीं आ रहा था कि किस कारण से हम दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। प्रेम अफेयर लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है, प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए बहुत अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए सोचने समझने की शक्ति बढ़ी, अध्ययन में रुचि बढ़ेगी, जो चिंताएं थी, तनाव थी, परेशानियां थी, वो सब कहीं ना कहीं दूर होगी और माइंड जो है एकदम केंद्रित होगा पढ़ाई पर, जो भटक रहा था मन। और आदमी जैसे ही पेपर आते हैं वैसे ही आदमी का दिमाग जो है इधर से उधर परिवर्तन होने लग जाता है, लेकिन केंद्रित होने लग जाएगा दिमाग। और आप उच्च शिक्षा के लिए बाहर भी जा सकते हैं विद्यार्थी। और मीन राशि के जिनके बच्चे हैं, बच्चों को लेकर जो भी परेशानियां थी वो परेशानी भी कहीं ना कहीं आपकी धीरे धीरे कम होती हुई नजर आएगी। संतान को लेकर परेशानियों में भी सुधार होगा और भाग्य का साथ मिलेगा। जो आपके पुण्य हैं, जो आपने धर्म कर्म किए हैं, जो उपासनाएं नित्य करते हैं, सबसे बड़ा बल होता है जब देव गुरु बृहस्पति का परिवर्तन होता है, उसमें सबसे बड़ा बल होता है धर्म का। तो धर्म के ग्रह है देव गुरु बृहस्पति। जितना व्यक्ति धार्मिक कार्य करता है उतना ही उसका जीवन में उसकी लाइफ जो है उज्ज्वल होती, उसकी चमक धमक उसकी बढ़ती है। तो पुण्य, पूर्व जन्मों के पुण्य भी उदय होंगे और जो आपने संचित कर्म किए हैं, जो वर्तमान में भी जो कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों का भी आपको फायदा मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। पिता संबंधित जो भी विवाद थे वो दूर होंगे, पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, पैतृक संपदा से भी लाभ होने का पूर्ण योग बन रहा है। और विदेश में जो जाना चाहते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश भी जा सकते हैं, विदेश जाने का भी योग पूर्ण तैयार बन रखा, क्योंकि तृतीय भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो विदेश जाने का योग भी प्रबल बना हुआ है। कैरियर में भी बड़ा बदलाव आएगा, नौकरी में भी बदलाव आएगा। अगर आप चाहते हैं स्थानांतरण करना चाहते हैं तो आप स्थानांतरण कर सकते हैं, नौकरी में भी बदलाव आएगी, आने का योग बना। व्यापार में हल्का फुल्का आपका जो पहले परेशानियां थी वो परेशानियां कहीं ना कहीं दूर होगी। मैं पूर्णतया तो ये तो नहीं कह सकता हूँ कि आप नौकरी चेंज कर दीजिए, लेकिन आपको जैसे आपको लगेगा कि मुझे करना चाहिए, आपको अच्छी सामने वो मिलती है, अच्छी सैलरी मिल रही है, आपको लग रहा बहुत अच्छा है वहाँ पे जाना मेरे लिए, तो आप जा सकते हैं मीन राशि वाले। क्योंकि तृतीय भाव में जा करके कहीं ना कहीं कर्म पर भी प्रभाव पड़ेगा, आप अच्छी नौकरी स्थानांतरण भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी सैलरी मिली, दुगनी सैलरी मिली, आपके पैकेज बढ़ रहा है, तो आप स्थानांतरण कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी स्थानांतरण। व्यापार में भी थोड़ा बहुत हल्की फुल्की चेंजिंग कर दीजिए और नया व्यापार भी खोल सकते हैं आप मीन राशि वाले, तो बढ़िया चलेगा आपका कारोबार। और ऊपर से आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी तो है ही, तो हनुमान जी की उपासना तो नित्य करनी है, शनिवार के दिन भी करनी है, मंगलवार के दिन भी करनी है, माता रानी की सेवा करनी है, सूर्य को अर्घ्य देना है, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना है या सुनना है, गणेश जी के 12 नामों का उच्चारण करना है, गणेश जी को बुधवार के दिन दुर्वा चढ़ानी है, हो सके कभी कभी किन्नरों को आप बुधवार के दिन दान पुण्य करें, दीनहीनों की जितनी ज़्यादा मदद हो सके उनकी मदद करें, पक्षियों की को दाना दें, प्रकृति की मदद करें, गंगा में स्नान करें, गौमूत्र का सेवन करें, ये जितना करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहे। क्यों, मीन राशि जो है देवतुल्य राशि है, ये राशि वाले बहुत धनवान लोग होते हैं, लेकिन इनका जो है माइंड जो है एकदम सेट नहीं हो पाता, ये थोड़ा भटकते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सी परेशानी आती है। लेकिन जितना धर्म की में रुचि बढ़ाए रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा बनेगा। और देव गुरु बृहस्पति आपके लिए कैरियर में भी बदलाव करेंगे। सबसे बड़ी बात है कैरियर के साथ साथ लाभ के लिए देव गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि है, बहुत कारगर है आपके लिए, क्योंकि लाभ के भवन में देव गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़े तो लाभ मिलेगा, यानी कि विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, परीक्षार्थियों को लाभ मिलेगा, व्यापारियों को लाभ मिलेगा और नौकरी में भी लाभ मिलेगा, यानी एक्स्ट्रा इनकम होने का, पैसा मिलने का योग बन रहा है। यानी कि आप नौकरी के साथ साथ व्यापार के साथ कुछ और काम भी कर सकते हैं। लोग होते हैं जिनके 4-5 काम होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मैं बता दूं मीन राशि वालों को, आप भी 2-3 काम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि मीन राशि तो दो ही चीज़ का सिंबल दिखाती है, दो मछलियों का सिंबल दिखाती है, तो दो काम तो आपको करना ही चाहिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। हर क्षेत्र से आपके लिए बहुत खुशखबरी है, आपको जो मैंने उपाय बताए वो उपाय आप कर लीजिए,
स्वास्थ्य में भी जो भी परेशानियाँ थी, वैसे तो आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी भी है, राहु का भी आपकी राशि में होना और केतु का सप्तम में होना, थोड़ा बहुत तो हल्की फुल्की परेशानियाँ तो रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर इतनी बड़ी परेशानियाँ नहीं दिखती। हल्की फुल्की गैस की प्रॉब्लम, पेट में पाचन समस्याओं में दिक्कत हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी समस्याएँ कोई दिख नहीं रही हैं आपके लिए। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका जन्म कुंड दिखाना चाहते हैं, नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चल रहा, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।